हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू और जीतू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रामायण के पात्रों का संगठन मैंने किया है और इकट्ठा करके आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है और सभी तरह का ज्ञान होता है। दोस्तों, तो आप तो जानते ही हैं, अयोध्या में 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों। तो इसीलिए रामायण के सभी पात्रों को मैंने इकट्ठा किया है ताकि आप लोग देख सकें। बहुत ही अच्छा रामायण बनाया रामानंद सागर जी के निर्देशन में और बहुत ही सुंदर रामायण हमें देखने को मिला। एक-एक पात्र जो थे उनके अंदर जान फूंक दी गई थी, और जो कि बहुत ही मनोरंजन के साथ बनाया गया था दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगा। इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा भी मिली दोस्तों। तो इसीलिए मैं बार बार रामायण के पात्रों को लेके आती हूँ ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी समझ सके कि रामायण में क्या था और उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। बस यही यही प्रेरणा के साथ मैं रामायण के पात्रों को लेके आई हूँ दोस्तों, ताकि छोटे हों या बड़े हों सभी देख सके कि हनुमान जैसा कोई भी भक्त नहीं हो सकता है, जिस तरह से हनुमान जी भक्त थे। कहने को तो राम जी और हनुमान जी दोनों ही भगवान थे, लेकिन भक्त हो तो हनुमान जैसा दोस्तों, और शबरी जैसा प्रेम करने वाला, आज भी शबरी को प्रेम करने वाला कहा जाता है दोस्तों। उनमें इतना प्रेम भाव था कि उन्होंने राम जी को अपने जूठे बेर खिला दिए थे दोस्तों, कि इसलिए खिला दिए थे ताकि राम जी जब खाएं तो उनको मीठे बेर उनको मिले, और जो खराब बेर थे वो नहीं देती थी। मीठे बेर चुन चुन के उन्होंने रखा था दोस्तों। और आप देख सकते हैं, ये सरयू नदी है दोस्तों, बहुत ही पवित्र नदी है, और ये लव कुश हैं, और सीता जी के पैर धोते हुए जनक जी है। सीता जी के बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे सुंदर सुंदर। बहुत ये शादी की तस्वीरें हैं दोस्तों, और ये राम जी की फोटो है जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो इसी तरह रामायण रामायण को बारे में कितना भी बात किया जाए दोस्तों, बहुत ही कम है। लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से हमें बहुत ही ज़्यादा शिक्षा मिलती है। अगर हम अपने घर में रामायण पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ पे आज भी हनुमान जी जीवित हैं, तो वो आके बैठ के सुनते हैं। ऐसा मानना है कि मतलब जहाँ राम रहते हैं वहाँ हनुमान जी भी रहते हैं। तो रामायण की जब जब चर्चा होगी तो हनुमान जी तो आ ही जाएंगे दोस्तों। और अब देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान का कितना अच्छा रूप है। तो बहुत अच्छा लगता है रामायण के बारे में बात करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को बहुत आगे तक लेके जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने बच्चों को और जितने भी लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जिसमें हर पात्र हर चीज में ज्ञान है। आपको ज्ञान ही मिलेगा। लक्ष्मण को देख लीजिए, लक्ष्मण इतने भक्त थे राम जी के कि लक्ष्मण जैसा भाई भाई कहा जाता है सबको मिले, सबरी जैसा प्यार करने वाला, मतलब सभी पात्र एक से बढ़कर एक है दोस्तों। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ढेर भर भर के कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और ये राम जी धनुष उठाते हुए और ये सीता मैया हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पात्र हमें देखने को मिले, और रामानंद सागर जी
कि रामायण ने तो इतिहास रच दिया, आज तक वैसा रामायण किसी ने भी नहीं बनाया दोस्तों। और बहुत ही खुशी के साथ मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया कि मैं आप लोगों के सामने भी रखूं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसी मकसद से ये वीडियो मैं बना रही हूँ दोस्तों। तो बहुत ही प्रेरणादायक रामायण रामायण है दोस्तों। और आप देख सकते हैं सीता मैया कितनी सुंदर लग रही हैं और शादी शादी के लिए जा रही हैं। यह वही सरयू नदी है जिसमें श्री राम जी ने जल समाधि ली थी, इसीलिए यह सरयू नदी बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाना नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आने जाने में हुए पाप से मुक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि मानव जीवन चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए हर पहुंचने वाला श्रद्धालु अयोध्या में और सरयू नदी के किनारे जाकर डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मोक्ष। जनक जी पैर धोते हुए, और ये सरयू नदी, इसी में राम जी ने अब जल समाधि ली थी। ये जोड़ी राम लक्ष्मण सीता मैया सरयू नदी को तो भूल ही नहीं सकते आप, इतना पवित्र नदी है। और ये राम जी की कुछ तस्वीरें, ये अयोध्या का अयोध्या है दोस्तों, सरयू नदी के किनारे। तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं दोस्तों, जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। और बहुत ही पवित्र स्थान है अयोध्या। और ये केवट पैर धोते हुए, और ये राम जी हैं, और ये जब वो आए हैं तो उनके लिए स्वागत में दीप जल रहा है दोस्तों। तो 14 वर्ष के बाद जब राम जी आए थे तो इसीलिए कार्तिक मास के अमावस्या के दिन राम जी आए थे, तो इसीलिए दीपावली में मनाया जाता है दोस्तों। और ये राम जी की कुछ तस्वीरें हैं शादी की। ये अयोध्या नगरी है दोस्तों, और ये रंगोली, और राम जी की खुशी में दिए जल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अयोध्या नगरी कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग 22 तारीख को जाइए और बढ़ चढ़ कर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, फिर कभी नहीं मिलेगा इतना अच्छा मौका। बहुत कम लोगों के ही दर्शन होते हैं ऐसे शुभ दिन में। तो वो वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों, और आप तो सुनिए ही और दूसरों को भी बताइए कि रामायण का पात्र क्या था दोस्तों। इससे ज्ञान तो मिलता ही है, और ज्ञान से बुद्धि आती है दोस्तों। तो इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और राम नाम लेते रहिए, सभी काम आपके सफल होंगे दोस्तों। और आगे का वीडियो आप लोग थोड़ा म्यूजिक के साथ सुनिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब
Thank you.